been really good. From south to television to films, अच्छी रही जर्नी. काफ़ी अच्छे लोगों के साथ काम किया एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट माई जर्नी. सो हमने एक शो किया साथ में ऑन लाइफ ओके कॉल बाजीगर एंड वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स एंड शो खत्म होने के बाद भी हम मिलते रहे एंड देन इट ऑल स्टार्टेड. आई कांट पिन पॉइंट द डे इट जस्ट हैपेंड एंड वेरी सून वी रियलाइज दैट वी वांट टू स्पेंड आवर लाइफ टुगेदर एंड हमने पेरेंट्स से बात की एंड वी डिड अ वेरी ट्रेडिशनल वेडिंग जो विच रियली वी वॉन्टेड टू डू इट लाइक दैट विथ ओनली फैमिली एंड फ्रेंड्स. आई थिंक फैमिली इज़ अ वेरी पर्सनल अफेयर फॉर अस. वी बोथ आर वेरी प्राइवेट एज पीपल एंड हम चाहते थे कि हमारे साथ सिर्फ वही लोग रहे जो हु रियली रियली मैटर टू अस. अ लॉट ऑफ पीपल कुडंट बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज माई फैमिली स्टेज इन जमशेदपुर एंड कलकत्ता तो वो इतने शॉर्ट नोटिस पे आ नहीं पाए. सो आई रियली मिस देम. अदरवाइज आई थिंक इट वॉज अ परफेक्ट वेडिंग एग्जैक्टली हाउ आईड इमेजिन इट. अभी इट्स जस्ट बीन टू वीक्स. आई स्टिल फील द सेम. समटाइम्स आई टेल हिम ऑल्सो कि कुछ अलग नहीं लग रहा है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट आई एम सेट एंड माई एड्रेस हैज चेंज फ्रॉम अंधेरी टू जुहू. बाकी सब मुझे सेम ही लग रहा है. अच्छा, फिल्म के बारे में बात कर रहे थे तो फिल्म में तो छोड़ लेकिन आपके रोल में काफी सारा रहा है ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आई फील अ लिटिल डिसअपॉइंटेड कि फिरंगी काफ़ी लोगों ने देखी नहीं. ओपनिंग इतनी अच्छी नहीं मिली. बट अगेन आई फील कि हर मूवी का एक फेट होता है, डेस्टिनी होती है एंड यू डोंट नो हाउ ऑडियंसेस आर गोइंग टू रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर फिल्म. हमने बहुत मेहनत की. वी गेव आर 100% एंड आई स्टिल होप दैट जहाँ जहाँ फिल्म लगी है पीपल शुड गो एंड डेफिनेटली वॉच इट बिकॉज जिन लोगों ने देखी है उन्हें पसंद आई है. मेरा काम पसंद आया है सो थैंक यू फॉर दैट एंड जिन लोगों ने मुझे विश किया उसके लिए भी थैंक यू सो मच. आई थिंक शादी में भी सब ये जोक क्रैक कर रहे थे तो हम सब हंस रहे थे. बट लाइक आई सेड डेस्टिनी इट्स अ कोइंसिडेंस दैट यू नो आई रियली रिस्पेक्ट अजय सर एंड ही इज़ वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ वत्सल इज़ ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ अजय सर एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट ही कुड बी अ पार्ट ऑफ आर वेडिंग. इट मेड आर वेडिंग वेरी वेरी स्पेशल. They were very happy because all the people who came, like I said, they are very very close friends and family from both his side and my side. So they were really happy for us. In fact, they were waiting ki kab hamari shaadi hogi. And I think it is their blessings ki itni jaldi sab kuch ho gaya because I didn't really expect ki itni jaldi ho jayega. But we just felt it was the right time and we went ahead with it. आई स्टार्टेड विद टेलीविजन एंड आई एम रियली ग्लैड बिकॉज मैंने बहुत सीखा टेलीविजन में काम करके. माई फर्स्ट शो एक घर बनाऊंगा ऑन स्टार प्लस. आई रियली फील कि दैट वॉज माई ट्रेनिंग ग्राउंड. जो भी मैंने सीखा इट्स बिकॉज ऑफ दैट एंड इवेंचुअली आई डिड गुड प्रोजेक्ट्स वर्क विद गुड पीपल. सो स्ट्रगल तो हर जगह होता है, सबके साथ होता है. थोड़ा बहुत हुआ. इट टुक अ लिटिल टाइम फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू द अदर बट आई एम हैप्पी कि जो भी मैंने प्रोजेक्ट किया आई कैन वेरी प्राउडली से दैट मैंने ये काम किया है एंड दैट्स वॉट मैटर्स एंड लोगों को मेरा काम पसंद आया है. सो जर्नी हैज़ बीन ग्रेट एंड आई होप दैट इन फ्यूचर ऑल्सो द जर्नी कंटिन्यूज एज इशिता सेठ एंड आई गेट टू डू लॉट ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स बी टेलीविजन और फिल्म. द ओनली थिंग इज टेलीविजन इज इट्स वेरी हेक्टिक. मैंने दो शो किया है एंड यू डोंट हैव मच टाइम बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली शूटिंग. माई हस्बैंड इज ही गॉट 4 days ऑफ जिसमें हमने शादी किया. थोड़ा स्मॉल ट्रिप करके वी केम बैक एंड ही स्टिल शूटिंग. सो इट्स अ लिटिल हेक्टिक एंड फिल्म यू हैव अ लिटिल टाइम बिकॉज अगर आप एक दो प्रोजेक्ट कर रहे हो तो यू हैव टाइम इन बिटवीन. अदरवाइज वी बोथ इंडस्ट्रीज दे वर्क हार्ड एंड दे क्रिएट एक्सलेंट प्रोजेक्ट. सो अदरवाइज इट्स सेम. खामियां तो मैं नहीं बताऊंगी. अभी शादी हुई है, खामियां कैसे बता सकती हूँ. खूबियां बताऊंगी दैट ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज वेरी वेरी केयरिंग. सो एनी फर्दर प्रोजेक्ट कमिंग अप? आई एम टॉकिंग, आई एम नॉट साइन एनीथिंग सो राइट नाउ आई वुडंट वांट टू टॉक अबाउट इट. बट आई होप कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो भी हो इट्स एज गुड एज माई प्रीवियस 4 projects. सो लेट्स सी. किसी के साथ में काम करने की चाहत है? सबके साथ. आई जस्ट स्टार्टेड. अभी सेकेंड मूवी है तो मुझे सबके साथ. आई वॉन्ट टू वर्क विद ऑल द एक्टर्स. आई थिंक रणवीर सिंह, आई थिंक ही हैज सो मच एनर्जी. आई रियली वॉन्ट टू वर्क विद हिम ऑल्सो एंड सो मेनी अदर पीपल. आई डोंट नो किसका, बट आई वुड लव टू डू एंड आई वुड ऑल्सो लव टू डू समथिंग डांस रियलिटी टाइप, यू नो डांस बेस्ड फिल्म्स बिकॉज आई लव डांसिंग. सो आई थिंक यू गेट टू लर्न ऑल्सो सो मच. सो दैट इज समथिंग आई रियली वॉन्ट टू डू.
थैंक यू सो मच. विराट और अनुष्का, यस, आई थिंक शी लुक्ड, इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज. आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी द पिक्चर्स लास्ट नाइट एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम आर लुकिंग सुपर क्यूट टुगेदर. लाइक इतनी खुशी, आई थिंक ये सब सेम ही बात कह रहे हैं. एंड आई वुड लाइक टू शेयर दैट रियली यू जेन्युइनली फील हैप्पी एंड आई लव सीइंग देयर पिक्चर्स. आई थिंक ऑसम पिक्चर्स. आई लव एंड आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट देम ऑल्सो. आई थिंक ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी. I think all her films from the first film Rab Ne Bana Di Jodi, we all have liked her. She's an excellent actress and she's the topmost actress if dekha jaye aajkal to. So I'm waiting for all her new projects. Thank you.